अध्याय यदुकुल का संघार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन चले गए तब भूत भावन भगवान कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभो यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। तब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनाते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गढ़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं चाहता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उसका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है, महाभारत युद्ध के समय जब भी हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। जिन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों को यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम सब स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ भूमि सोना वस्त्र हाथी घोड़े रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों देवता ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों को जन्म का परम लाभ है। परीक्षित सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करने के लिए रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ इत्यादि किया और वे सब प्रकार के मंगल कृत्य किए गए। यह सब तो उन्होंने किया परंतु देवों ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली होती है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो गए थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्र से वहां समुद्र तट पर एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों हाथियों घोड़ों गधों ऊंटों खच्चरों बैलों भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे के बाणों को घायल करने लगे मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न साम्र से अक्रूर भोज से अनिरुद्ध सात्विकी से भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने में तुल गए। इनके अतिरिक्त निषट उल्मुख सहस्त्रजित शतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया था। दशहार व्रणी अंधक भोज सात्वक मधु अर्बुद माथुर शूरसेन विसर्जन कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का भाई भाई का भांजा मामा का नाती नाना का
मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और अस्त्र शस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तभी सब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको भी और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मरने मारने के लिए उन पर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। मुट्ठी की मुट्ठी ऐर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। ऐर का घास की मुट्ठी ही मुद्गर के समान चोट करने लगी थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देते हैं। वैसे ही ब्रह्मपास से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदि वंशियों ने स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका विध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप को ही पत्थर में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के वृक्ष के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपने अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कबल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलके बड़े ही सुंदर और सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कांधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंकन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटने तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच ही हरिन समझकर अपने उसी बाण से वेध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। तब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाले महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर भी मैं अभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि के लोग आपके विषय में कह ही क्या सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे जरे, तू डर मत,
उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी ही आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसके बाद विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारू उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं, असहाय तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक ने हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। वह रथ से कूद करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, चरित्र के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न जाने तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय सामने से ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़े के समान आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चल दिए। यह सब देख करके दारुक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तभी भगवान ने उसे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संघार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उसने कहा कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नागरिकों को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञानिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा।